हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जो जगह में हैं ये जर्मनी के अंदर है, आप लोगों को पता होगा रोस्टॉक, उससे 20 मिनट्स का दूर में है वार्नेमुंडे। तो यहाँ पे आप जब आ रहे हो ना, यहाँ पे सी फूड बहुत सही मिलता है। तो आपको ब्रेड के अंदर बहुत सारे फिश वगैरह मिल जाएंगे, श्रिम्स मिलेंगे, और मतलब प्राइस भी ठीक ठाक है। ये सैल्मन का पर 100 ग्राम 2 यूरो समथिंग था। तो वहाँ से ब्रेड जो स्टैंड फिश ले सकते हो आप वहाँ से, और उसको खाने के बाद अभी मैं स्लोली एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ का विलेज टाइप का है उसके अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, उसके अंदर भी देखते हैं। मतलब बहुत टाइम बाद निकला हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। तो चलो साथ में घूमते हैं, ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, जो भी है सब मेरे लिए भी न्यू है। आप लोग साथ में घूमो, घूमते हैं साथ में। आ सकते हैं, बर्लिन से मोस्टली लोग रोस्टॉक आ जाते हैं वीकेंड में, या कोई छुट्टी का दिन मिल जाता है, कि यहाँ पे हैफेन वगैरह है, और हैफेन मतलब पोर्ट वगैरह है और सी वगैरह है, तो उसकी वजह से आ जाते हैं। और बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, कुछ जगह बहुत फेमस है शॉप्स, जो कि वहाँ पे भीड़ होता है, और बहुत सुंदर जगह है। अभी सुंदर दिख रहा है, तो अभी साथ में घूमते हैं पहले अंदर, उसके बाद हम जाएँगे बीच में। तो पहले अंदर थोड़ा घूमते हैं अच्छे से। वार्नेमुंडे का जो बीच है वो 3 किलोमीटर का स्प्रेड है, और वो रोस्टॉक से 12-13 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है। तो अभी स्लोली हम लोग वॉक करते करते जा रहे हैं बीच की तरफ। तो रास्ता में क्या क्या है मैं आप लोगों को जस्ट दिखाते जा रहा हूँ। इस टाइप का छोटा छोटा कैफे रहता है, और लोग तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, आज यूरोप डे एक्चुअली, May 9। तो सब लोग बाहर ही हैं, और सनशाइन भी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, 18-19 डिग्री का टेम्परेचर है। और स्लोली चलते हैं बीच की तरफ, ढूंढ रहा हूँ बीच किस साइड है। तो अभी पहुँच गए वार्नेमुंडे प्रोमेनेड, अभी स्लोली वॉक करके बीच की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीच है यार, तो चलो बीच में थोड़ा टाइम चिल करते हैं। Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. तो अभी यही प्रोमेनेड जो है वार्नेमुंडे के, तो वहाँ पे बैठे हैं। तो व्यू तो अच्छा है, बट लोग बहुत है, और लोग ज़्यादा होते हैं तो व्यूज़ बिगड़ जाती हैं। तो अभी देखते हैं, मतलब थोड़ा सा घूम के जाएंगे और अंदर टाउन वगैरह भी घूमेंगे।
तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्यू कैसा है यहाँ पे। बट लोग देखो कितना है यार, वीकेंड में भी इतने लोग नहीं होते जैसे मिड वीक में है, लेकिन हॉलीडे है तो सबका छुट्टी है तो सब लोग आ गए यहाँ पे। और पास में भी है बर्लिन के और इस साइड में जो भी सिटीज़ हैं, और यहाँ पर तो ऐसे समंदर पास में ज़्यादा है नहीं, तो जहाँ पे समंदर है वहाँ पे आ गए। तो ठीक है, अभी कुछ टाइम यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर भी थोड़ा घुमाऊँगा, उसके बाद देखें कितना कवर हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम घूमेंगे। मैदा के साथ ये पूरा शुगर कोटिंग अच्छा है। ब्रेड के ऊपर शुगर का कोट है पूरा, और इसको ब्रेड को शायद फ्राई किया गया है। पूरा प्रोमेनेड का लाइन में पूरा खाने का चीज़ है और ड्रिंक्स का चीज़ है और सब दूसरा दूसरा जो गिफ्ट आइटम्स वगैरह वो सब है। वर्ने मुंड के अंदर जाते हैं वो
टाउन के अंदर या सिटी के अंदर जो भी है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो अभी आके पहुंच गए रोस्टॉक हवानोफ। तो अभी सोच रहा हूँ कि रोस्टॉक हवानोफ से बर्लिन चल जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं रोस्टॉक का सिटी सेंटर वगैरह दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा काम आ गया तो घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी पहुंचना है, कल सुबह उठ के काम में जाना है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग वेट कीजिए, अभी ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं।